हेलो गाइस, वेलकम टू टीच मिस्टर महादेव चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ, फ्लिपकार्ट पे न्यू सेल स्टार्ट हो चुका है जिसका नाम है फ्लिपकार्ट इलेक्ट्रॉनिक डे सेल। इस सेल में इस मोबाइल पे काफी सारे मोबाइल पे काफी तगड़ा ऑफर देखने के लिए मिल रहा है। तो ये सेल आपको देखने के लिए मिलेगा 6 जून से 10 जून तक ये सेल चलने वाला है। और इसी सेल में आपको 20,000 से 10,000 8,000 की रेंज में एक तगड़ा स्मार्टफोन चाहिए, बेस्ट लेवल का स्मार्टफोन चाहिए। सो इस वीडियो में आपको टॉप 11 बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में बताने वाला हूं जो कि इस सेल में आपको देखने के लिए मिलेगा बेस्ट ऑफर्स के साथ। सो गाइस, इसमें आप दो बैंक का क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो। सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड यूज करोगे तो आपको 1000 का प्लस आपको 1205 का ऑफ देखने के लिए मिल जाएगा। सो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का भी कार्ड यूज कर सकते हो, वहां भी आपको क्रेडिट कार्ड यूज करोगे तो आपको 1500 का ऑफ देखने के लिए मिल जाएगा। और सभी मोबाइल पे अलग अलग डिफरेंट ऑफर देखने के लिए मिलेगा। सो इस वीडियो में आज आपको टॉप बेस्ट 11 स्मार्टफोन के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें आपको काफी तगड़ा सेल देखने के लिए मिलेगा। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना आपको अच्छा लगता है और आप जिस मोबाइल के बारे में जानना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कर देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे रियलमी 9 प्रो प्लस 5G मोबाइल के बारे में। इस मोबाइल में आपको कड़क स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलता है। सो 8128 वाला वेरियंट आपको 27,000 में देखने के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ आपको 5500 का ऑफ देखने के लिए मिल जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड से यूज करोगे तो आपको 1500 का ऑफ देखने के लिए मिल जाएगा। सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज करोगे तो आपको 1000 का ऑफ देखने के लिए मिल जाएगा। और इसमें आपको 4000 ऑफ प्रीपेड के लिए देखने के लिए मिलेगा। सो आपको यहाँ काफी तगड़ा ऑफर देखने के लिए मिल जाएगा। 27,000 का मोबाइल आपको 21,500 में परचेस कर सकते हो। काफी बेस्ट इसमें स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलते हैं। इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा 8128 वाला वेरिएंट देखने के लिए मिल जाएगा। डिजाइन काफी बेस्ट इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। 90Hz का एमोलेड पैनल देखने के लिए मिल जाएगा। डायमेंसिटी 920 वाला 5G चिपसेट देखने के लिए मिल जाएगा। काफी बेस्ट आपको यहाँ कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा, OIS के साथ आ रहा है। इसमें आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलेगा। कैमरा सेटअप 50+ 8+2 कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा, OIS के साथ आ रहा है। फ्रंट में आपको 16MP देखने के लिए मिलेगा। 4500mAh का बड़ा बैटरी देखने के लिए मिलेगा। सो काफी अच्छी बात है। 67W का सुपर फास्ट चार्जर देखने के लिए मिलेगा। सो ये मोबाइल को आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो 21,000 में। सो गाइस, नेक्स्ट मोबाइल की बात कर लेते हैं। यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा पोको M4 Pro जिसमें आपको AMOLED स्क्रीन देखने के लिए मिलेगा। 664 वाला वेरिएंट आपको 15,000 में देखने के लिए मिलता है, लेकिन इधर आपको कोई भी बैंक का कार्ड का और डेबिट कार्ड कोई भी यूज नहीं करना है। इसमें आपको डायरेक्ट आपको 12,000 में मोबाइल देखने के लिए मिल जाएगा विदाउट ऑफर। सो इसमें आपको ऑफर देखने के लिए नहीं मिलेगा, इसका प्राइस कट आउट होकर 12,000 आ चुका है। कैश ऑन डिलीवरी भी आप लेते हो तो आपको 12,000 में मोबाइल देखने के लिए मिल जाएगा। इस मोबाइल में आपको डिजाइन काफी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। 90Hz का रिफ्रेश रेट एमोलेड स्क्रीन के साथ हीलियो G96 का चिपसेट देखने के लिए मिलेगा। 64+ 8+2 कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रंट में आपको 16MP देखने के लिए मिलेगा। 5000mAh की बड़ी बैटरी के साथ 33W का फास्ट चार्जर। इसमें आपको कड़क स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा 12,000 में। गेमिंग के लिए और कैमरे के लिए इस मोबाइल को डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट मोबाइल की बात कर लेते हैं। यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी F23 5G मोबाइल। ये आपको 4128 वाला वेरिएंट आपको 15,000 में देखने के लिए मिलता है, लेकिन इस सेल में इसमें आपको काफी अच्छा ऑफर देखने के लिए मिल जाएगा। सो इस मोबाइल को आप परचेस कर सकते हो 13,499 में। सो 13,500 में इस मोबाइल में आपको बेस्ट स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलता है। सैमसंग लवर हो तो इस मोबाइल को इग्नोर मत करना, क्योंकि इसमें आपको डिजाइन अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। 120Hz का रिफ्रेश रेट IPS LCD पैनल के साथ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750 वाला 5G चिपसेट देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको 1UI 4.1 सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगा। कैमरा सेटअप इसका 50+ 8+2 कैमरा सेटअप होने वाला है। फ्रंट में आपको 8MP देखने के लिए मिलेगा। 5000mAh की बड़ी बैटरी। सो इस मोबाइल को आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। डिस्प्ले काफी अच्छा है, कैमरा सेटअप काफी अच्छा है, गेमिंग के लिए खासकर बेस्ट मोबाइल होने वाला है। सो इस मोबाइल को 13,500 में डेफिनेटली आप परचेस कर सकते हो। सैम लवर हो तो आप इस मोबाइल को इग्नोर मत करना। नेक्स्ट मोबाइल की तरफ आते हैं। यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले। ये आपको 10,000 के रेंज में काफी बेस्ट आपको स्मार्टफोन देखने के लिए मिल जाएगा। 10,000 नहीं, 8,000 में। सो इसमें आपको 464 वाला वेरिएंट आपको देखने के लिए मिलता है 8,699। सो इसका 8,000 प्राइस है, लेकिन इसमें आपको सेल में आपको सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज करोगे तो इसमें आपको 870 का ऑफ देखने के लिए मिल जाएगा। सो इस मोबाइल को आप परचेस कर सकते हो 7,800 में। इसमें आपको काफी बेस्ट स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। प्राइस पॉइंट के हिसाब से डिजाइन काफी बेस्ट है। 90Hz का रिफ्रेश रेट IPS LCD पैनल के साथ सेंटर पंचो डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा। डिस्प्ले काफी बेस्ट आपको मिल जाएगा प्राइस पॉइंट के हिसाब से। इसमें आपको जो चिपसेट देखने के लिए मिलेगा यूनी एसओसी टाइगर 610 वाला चिपसेट देखने के लिए मिल जाएगा। चिपसेट काफी बेस्ट है। इसमें आपको बैक में 13MP प्राइमरी कैमरा देखने के लिए मिलेगा और डीप सेंसर देखने के लिए मिलेगा। फ्रंट में आपको 8MP देखने के लिए मिलेगा। 6000mAh की बड़ी बैटरी देखने के लिए मिलेगा। सो इस मोबाइल को आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो 7,800 में। नेक्स्ट मोबाइल की तरफ आते हैं। यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा पोको X4 Pro 5G वाला वेरिएंट। इसका प्राइस आपको 19,000-20,000 देखने के लिए मिलता है, लेकिन इस सेल में 6128 वाले वेरिएंट को आप परचेस कर सकते हो। इसमें आपको काफी तगड़ा ऑफर देखने के लिए मिल जाएगा। इस मोबाइल को आप परचेस कर सकते हो सभी ऑफर लगा के 16,000 में। जी हाँ गाइस, 16,000 में इस मोबाइल को आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो।
इसमें आपको डिजाइन काफी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। 120Hz का रिफ्रेश रेट के साथ एमोलेड स्क्रीन देखने के लिए मिल जाता है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 690 वाला 5G चिपसेट देखने के लिए मिलेगा। 64+8+2 कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा। बैक में फ्रंट में आपको 16 MP देखने के लिए मिलेगा। 5000mAh की बड़ी बैटरी के साथ 67W का फास्ट चार्जर। सो सुपर स्पेसिफिकेशन इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। सो 16000 में इस मॉडल को आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। सो गाइस नेक्स्ट मॉडल की तरफ आते हैं। यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा मोटो का मोटो G31 मोबाइल देखने के लिए मिलेगा। 464 वाला वेरिएंट आपको 13000 में इंडिया में लॉन्च हुआ था, लेकिन इसमें आपको काफी तगड़े ऑफर देखने के लिए मिलेंगे। सभी ऑफर लगा के इस मॉडल को परचेस कर सकते हो 10500 में। सो 10.5 में स्टॉक एंड्रॉइड वाला फील चाहिए तो इस मॉडल को आप इग्नोर मत करना, क्योंकि इसमें आपको डिस्प्ले आपको बेस्ट देखने के लिए मिल जा रहा है। इसमें आपको डिजाइन बेस्ट देखने के लिए मिलेगा। एमोलेड स्क्रीन देखने के लिए मिलेगा। हीलियो G85 का चिपसेट देखने के लिए मिलेगा। कैमरा सेटअप 50+8+2 कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा। सो फ्रंट में आपको 13 MP प्राइमरी कैमरा देखने के लिए मिलेगा। इसकी बैटरी में 5000mAh की बड़ी बैटरी के साथ 20W का टर्बो फास्ट चार्जर देखने के लिए मिलेगा। प्राइस पॉइंट के हिसाब से स्टॉक एंड्रॉइड का फील चाहिए, एमोलेड स्क्रीन के साथ कैमरा सेटअप बेस्ट होना चाहिए, बैटरी 10.5 में मोटो का मोबाइल आप परचेस कर सकते हो मोटो G31। सो नेक्स्ट मोबाइल की बात कर लेते हैं। यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा रेडमी नॉट 10 प्रो। ये आपको थोड़ा ओल्ड हो चुका है, लेकिन इसमें आपको 6128 वाले वेरिएंट का प्राइस ऑफर लगा के ये मोबाइल आपको देखने के लिए मिलेगा 14500 में। काफी तगड़ा स्पेसिफिकेशन अंडर 15000 में इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। सो इसमें आपको डिजाइन फुल ग्लास देखने के लिए मिलेगा। 120Hz का रिफ्रेश रेट, सुपर एमोलेड पैनल देखने के लिए मिलेगा। चिपसेट में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G वाला चिपसेट देखने के लिए मिलेगा। 64+8+5+2 कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा। क्वाइट कैमरा सेटअप है बेस्ट, आपको प्राइस पॉइंट के हिसाब से कैमरा सेटअप एक्सलेंट मिल रहा है। फ्रंट में आपको 16 MP देखने के लिए मिल जाएगा। 5020mAh की बड़ी बैटरी, 33W का फास्ट चार्जर, डबल स्टीरियो स्पीकर। सो 14500 के रेंज में इस मोबाइल को आप परचेस कर सकते हो। सो गाइस नेक्स्ट मोबाइल की बात कर लेते हैं। यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा इन्फिनिक्स हॉट 11S। ये आपको 4128 वाला वेरिएंट का प्राइस देखने के लिए मिलता है 11000, लेकिन इस सेल में इस मोबाइल को सभी ऑफर लगा के 8500 में इस मोबाइल आपको देखने के लिए मिलेगा। सो इस मोबाइल में को आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। इसमें आपको डिजाइन अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। 90Hz का रिफ्रेश रेट वाला स्क्रीन देखने के लिए मिल जाता है। फुल HD का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। IPS LCD पैनल होगा। कैमरा सेटअप 50+2+AI कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा। काफी अच्छी बात है। फ्रंट में आपको 8 MP देखने के लिए मिलेगा। 5000mAh की बड़ी बैटरी, 18W का डिस्टेंस चार्जर देखने के लिए मिल जाएगा। काफी बेस्ट बात है, डबल स्टीरियो स्पीकर इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। डेडिकेटेड सिम स्लॉट देखने के लिए मिलेगा। सो 8500 में इस मोबाइल को इग्नोर मत करना अगर आपका बजट है इस रेंज में। सो इस मोबाइल को परचेस कर सकते हो डेफिनेटली। सो गाइस नेक्स्ट मोबाइल की तरफ आते हैं। यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा मोटो G71 5G मोबाइल। इसका प्राइस आपको 19000 देखने के लिए मिलता है, लेकिन 6128 वाले वेरिएंट का इसमें आपको सेल में काफी अच्छे ऑफर लगा के सभी ऑफर लगा के आपको मोबाइल देखने के लिए मिलेगा 16000 में। सो 16000 में स्टॉक एंड्रॉइड वाला फील चाहिए, काफी तगड़ा मोटो का स्मार्टफोन चाहिए, सो इस मोबाइल को परचेस कर सकते हो। इसमें डिजाइन काफी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। एमोलेड स्क्रीन के साथ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 690 वाला 5G चिप से देखने के लिए मिल जाता है। 13 5G बैंड का सपोर्ट है। कैमरा सेटअप 50+8+2 कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा। फ्रंट में आपको 16 MP देखने के लिए मिलेगा। 5000mAh की बड़ी बैटरी है, 33W का फास्ट चार्जर। सो गाइस स्टॉक एंड्रॉइड का फीचर चाहिए, एमोलेड स्क्रीन चाहिए, 5G का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा, कैमरा सेटअप सभी अच्छा हो। सो इस 16000 में मोटो का मोबाइल डेफिनेटली आप परचेस कर सकते हो। सो गाइस नेक्स्ट मोबाइल की बात कर लेते हैं। यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा इन्फिनिक्स नॉर्ड 11S। इसमें आपको 664 वाले वेरिएंट में ऑफर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इसको आप इग्नोर कर देना, 8128 वाला वेरिएंट परचेस करना, क्योंकि इसमें आपको काफी तगड़ा ऑफर देखने के लिए मिलेगा। 8128 वाले वेरिएंट को आप 11000 में परचेस कर सकते हो। जी हां गाइस 11000 में इसमें आपको काफी बेस्ट स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन 8GB 128 वाला वेरिएंट है, इस प्राइस रेंज में कोई भी ब्रांड प्रोवाइड नहीं कराता। सो मैं रिकमेंड करूंगा 8128 वाला वेरिएंट आप परचेस करना। इसमें आपको डिजाइन काफी अच्छा देखने के लिए मिलता है। 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलता है। IPS LCD पैनल के साथ हीलियो G96 का चिपसेट देखने के लिए मिलेगा। कैमरा सेटअप में आपको बैक साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप 50+2+2 कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा। फ्रंट में आपको 16 MP देखने के लिए मिलेगा। 5000mAh की बड़ी बैटरी, 33W का फास्ट चार्जर देखने के लिए मिलेगा। सो इस मोबाइल को अगर आप 11000 में परचेस करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, काफी बेस्ट आपको प्राइस रेंज के हिसाब से मोबाइल मिल जाएगा। सो लास्ट एंड फाइनल मोबाइल की तरफ आते हैं। यहाँ आपको एक और मोटो का स्मार्टफोन देखने के लिए मिलेगा, मोटोरोला G51। इसमें आपको काफी बेस्ट स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलता है। इसका प्राइस आपको 14000-15000 देखने के लिए मिलता है, लेकिन इस सेल में इस मोबाइल को काफी तगड़े ऑफर्स के साथ परचेस कर सकते हो 13000 में। जगह 13000 में इसमें आपको काफी कड़े स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। 464 वाले वेरिएंट के साथ आ रहा है, इसमें आपको डिजाइन काफी अच्छा देखने के लिए मिल जा रहा है। 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलेगा। POLED पैनल देखने के लिए मिलेगा, जो कि काफी टॉप क्लास की बात है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 वाला डिसेंट चिपसेट देखने के लिए मिल जा रहा है। इसमें आपको बैक साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा। 50+8+2 कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा। फ्रंट में आपको 16 MP देखने के लिए मिलेगा। 5000mAh की बड़ी बैटरी, 33W का फास्ट चार्जर, डबल स्टीरियो स्पीकर और डॉल्बी एटमॉस के साथ जो कि आ रहा है। सो इसमें आपको काफी तगड़े ऑफर देखने के लिए मिलेगा, खासकर अगर आप स्टॉक एंड्रॉइड का फील चाहते हो, रिफ्रेश रेट अच्छा मिले, गेमिंग के लिए डिसेंट हो, लेकिन कैमरा सेटअप अच्छा मिले और
काफी तगड़ा आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा डिस्प्ले। सो ऐसा मोबाइल अगर आप चाहते हो तो इस मोबाइल को आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। फ्लैगशिप लेवल का आपको फील देने वाला है इसका डिस्प्ले। सो इस वीडियो में जितने भी मोबाइल्स के बारे में बताया हूँ आपको, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी मोबाइल परचेस कर लेने चाहिए। काफी तगड़े ऑफर्स के साथ काफी अच्छे मोबाइल देखने के लिए मिलते हैं। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखना अच्छा लगता है, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।